लद्दाख में ताबड़तोड़ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। दो दिन पहले 5 जगह बादल फटे तो कल लेह में भी वैसी ही घटना सामने आई। इस वजह से नदियों में उफान आ गया है। नदियां अपने किनारों को पार करने के लिए बेताब है। जम्मू के अखनूर में चेनाब नदी की लहरें अंगड़ाइयां ले रही हैं। नदी का लहराता पानी उमड़ घुमड़ रहा है। लहरें कहीं उछाल मार रही हैं, तो कहीं गोल गोल घूम रही हैं। उछलती बलखाती लहरों की दहाड़ किसी के बदन में भी सिहरन पैदा कर सकती है। चेनाब नदी की लहरें जिस कदर उमड़ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ये नदी का किनारा तोड़कर बाहर आने पर आमादा है। पानी का रंग बता रहा है कि ये अपने भीतर जाने कितनी मिट्टी और मलबा समेटे हुए है। इस समय मैं मौजूद हूँ चेनाब नदी के तट पर जम्मू के अखनूर शहर में, और यहाँ पर जो है चेनाब नदी उफान पर है। जल स्तर जो है काफी बढ़ चुका है। इस घाट के ऊपर जो है कई जो है ऐतिहासिक मंदिर हैं, और कल यहाँ पर देर रात जो है पानी जो है मंदिरों के अंदर भी घुसाया था, और उसके बाद अब यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। अभी तो ये पानी थोड़ा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। चंद घंटों पहले तो पानी घाट से ऊपर था, मंदिर तक पहुँच गया था, जहाँ अब साफ सफाई हो रही है। कल रात में जो पानी आया, खाली दिन में 3 बजे से पानी जोर बढ़ गया। 3 बजे से जो पानी बढ़ गया, यहाँ से हमारे एक हनुमान मंदिर, एक शनि मंदिर, एक गणेश मंदिर, यहाँ जो शिव जी मंदिर का तट पर यहाँ काया देवता है। पानी अंदर तक आ गया था। पानी काया वैसे ही देखना कितना रेत है, 2 फुट रेत भर गया। अच्छा। और लकड़ी भी गया, थोड़ा थोड़ी कर दिया, टाइल भी तोड़ी गया। ऐसे सब दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया। हर साल ऐसा परेशानी करता। कुछ इसी तरह जम्मू कश्मीर के राजौरी के अग्रथी नाले का पानी बेकाबू हो रहा है। पानी ब्रिज से ऊपर बह रहा है। कई गांव से राजौरी का संपर्क कट गया है। सैलाब का पानी सड़कों पर फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आसमान से बारिश हो रही है, तो तवी नदी का पानी जैसे उधम मचा रहा है। उधमपुर जिले के दारसू इलाके में तवी नदी की उफनाती लहरों के बीच एक बच्ची फंस गई। SDRF ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को लहरों से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास बादल फटने से जमकर तबाही मची। गुफा के बाहर सैलाब की स्थिति आ गई। आसपास के नालों में उफान आ गया। श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना की टीमें फौरन हरकत में आई और नाले के करीब मौजूद सारे स्टाफ को आनन फानन में वहां से निकाला गया। करगिल में 2 जगह बादल फटे तो बांदीपुरा में भी बादल फटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। किश्तवाड़ के हांजर डच्चन गांव में बादल फटने के चलते जल प्रलय की स्थिति सामने आ गई। जम्मू कश्मीर में मानसून का कहर जो है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में जो है स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। किश्तवाड़ जिले की अगर बात करें तो बादल फटने के बाद वहां पर दक्षिण इलाके में अभी भी जो है 19 लोग लापता है और उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो बचाव कार्य में जो टीम्स जुटी हैं, उनको 7 शव जो हैं वो मिल चुके हैं। 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 17 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ के हांजर गांव में चारों तरफ तबाही का मंजर है। 7 लोगों की मौत हो गई है, तमाम घर जमींदोज हो गए हैं। हर तरफ से हमको ये खबर आ रहा है, मेनी टूरिस्ट, मेनी पीपल, मेनी पर्संस एंड स्पेशली हांजर में बहुत सारे नुकसान हुई। इधर अब तक हमने 7 डेड बॉडीज रिकवरी किया और 17 लोगों को पुलिस पार्टी ने रेस्क्यू किया।
आज लद्दाख में बादल फटने की वजह से श्रीनगर लेह रोड पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर घंटों जाम लगा रहा। वहीं लाहौल स्पीति में बादल फटने और राज्य के दूसरे इलाकों में चट्टान खिसकने और दरिया में बहने से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। लाहौल के तोजलिंग नाले के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आईटीबीपी ने एक और शव बरामद किया और कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी और चंबा जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कुल्लू, चंबा, सोलन, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में फ्लैश फ्लड और जमीन खिसकने की वार्निंग दी गई है। हिमाचल के चंबा जिले में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में और सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। चंबा में विशाल आनंद के साथ सुनील जी भट्ट, अखनूर, आज तक।